एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो इट्स पार्ट टू ऑफ द वीडियो ऑफ चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक एटॉमिक रेडियाई। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज डिक्रीजेज एट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। इसमें क्या बताया गया है कि जो 3D सीरीज के मतलब कि एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक रेडियाई वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। सो बेसिकली हम इससे ईजिली करेंगे। देखो अब होता है क्या इसमें, अब क्या बोला उन्होंने कि रेडियाई डिक्रीज करेगा। हमें पता है कि अगर हम यहाँ यह लेफ्ट है, सॉरी ये है लेफ्ट और ये है राइट। अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, साइज़ क्या होगा, डिक्रीज होगा। राइट, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो फर्स्ट पॉइंट तो ये बताया गया है। सेकेंड है हमारे पास कि जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो इंक्रीज करती है 3D से 4D में। द एटॉमिक रेडियाई 4D एंड 5D आर वेरी क्लोज टू ईच अदर ड्यू टू लेंथ एंड नॉट कंट्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल जिरकोनियम एंड हॉफियम। इसमें क्या बताया गया है, देखो अच्छे से, ये है हमारे पास एक्चुअली में, हाँ जी, ये है 3D सीरीज, ये है 4D, ये है 5D। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, हमें पता है क्या होगा, साइज़ क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा, ऊपर से नीचे आते रेडियाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अब फोर्थ और फिफ्थ की जो रेडियाई है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। क्यों? क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, और इसी की वजह से जो जिरकोनियम और हैफनियम का साइज क्या होता है, सिमिलर होता है। दिस डिक्रीज इन मेटेलिक रेडियाई ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास लेट्स इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स, कॉन्सिक्वेंटली द डेंसिटी इंक्रीजेज फॉर टिटानियम टू कॉपर। अब इसमें क्या बताया गया, देखो कि डेंसिटी की बात है कि डेंसिटी आप चाहे इधर से इधर चले जाओ, लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन, डेंसिटी इंक्रीज होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि मास है जो इंक्रीज हो रहा है। अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी वैसे होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास यानी वेट इंक्रीज होगा तो डेंसिटी तो इंक्रीज होगी होगी, चाहे आप लेफ्ट टू राइट जाओ या अप टू डाउन आ जाओ। अब इसके बाद है हमारे पास, ये तो हो गया हमारा, हाँ जी, रिजल्ट्स इन, हाँ जी आगे आ गया, नेक्स्ट आ गया, हाँ जी, दे एग्जिबिट लेस पॉजिटिविटी देन एस ब्लॉक एलिमेंट ड्यू टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल लाइंग बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो यहाँ पे होते हैं एस, यहाँ पे होते हैं डी, यहाँ पे होते हैं पी, यहाँ इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो मेटेलिक करेक्टर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एस ब्लॉक से क्या होते हैं, कम मेटेलिक होते हैं, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट्स से क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, यानी जैसे जैसे हम न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट लेफ्ट से राइट में वो क्या होगा, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आगे जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है वो क्या करती है, इंक्रीज होते हैं। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें क्या होता है, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में इंक्रीज होता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, नीचे नीचे आएंगे, साइज छोटा था फिर बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन है रिमूव करना ईजी हो जाएगा। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब अलॉन्ग द पीरियड, यानी कि लेफ्ट से राइट जाएंगे, अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा, पहले बड़ा था छोटा हो गया, छोटा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा, साइज छोटा हो गया, सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ये पढ़ते हैं हम क्या करते, द नंबर अलॉटेड टू एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट वो नंबर होता है कि हमें जो बताता है कि कंपाउंड में एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है या फिर गेन किया है, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर इज दिस, ओके, इट अटेन्स नॉबल गैस कन्फिग्रेशन बाय लॉसिंग वन इलेक्ट्रॉन। अगर ये वन इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसकी क्या हो जाएगी, नॉबल गैस कन्फिग्रेशन हो जाएगी। सो जो एनर्जी चाहिए हमें एक और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए वो बहुत कम है। सो कॉपर क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लॉस कर देगा, और कॉपर टू पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा। सो जो कॉपर है, जो प्लस वन ऑक्सीडेशन प्लस प्लस टू ऑक्सीडेशन दोनों में क्या करते हैं, वी कैन सी एग्जिबिट करता है। सो जो प्लस टू स्टेट है लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा क्या है, कॉमन है। इन द सेम
और वो कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं कॉपर क्लोराइड हो गया जैसे, और ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड, इन दोनों केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कॉपर की, टू है। वाई देखो आप देख सकते हो ना, कॉपर को एक्स मान लो प्लस टू, क्लोरीन की माइनस वन, टोटल जीरो, सो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस टू। सेम यहाँ पे देखो आप, कॉपर की एक्स मान लो, ओके सो इसकी ऑक्सीजन की माइनस टू, टोटल जीरो, सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू, यानी दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, टू है। नेक्स्ट आ गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, उनकी बहुत सारी वेरिंग अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्यों, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है एनएस और एन माइनस वन डी में बहुत कम होता है, और कभी एनएस में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, कभी एन माइनस वन डी में से हो जाता है। नेक्स्ट आ गया अलॉन्ग विद एनएस इलेक्ट्रॉन्स, एनएस इलेक्ट्रॉन के साथ ही जो एन माइनस वन डी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, बट उनकी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्डिंग में ज़्यादा होते नहीं, सो स्कैंडियम ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। अब ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जो जिंक है उसकी जो ऑर्बिटल्स है वो कम अवेलेबल होगी बॉन्डिंग में, और उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि डी वाले क्या हो गए, जैसे फॉर रैंडमली मैं आपको बता रही हूँ, देखो मान लो डी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब ये दो अनपेयर बचे, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रॉपर नहीं लिखा, अब इसमें क्या हुआ, ज़्यादा तो सारे कवर हो गए, बचे कितने, दो बचे ना बॉन्डिंग के लिए, तो उसकी ऑक्सीडेशन जो वेरिएबल स्टेट है वो कम शो करेगा। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच जो एलिमेंट्स हैं एट ग्रुप के होते हैं उनके सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब जो थ्री डी सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, जो मैंगनीज है उसके सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और उसके बाद जो फोर डी सीरीज की बात कर लो, रिथेनियम है जो एट ग्रुप का उसकी सबसे ज़्यादा होगी, फाइव डी सीरीज में से ऑस्मियम की होगी, ये सारे फैक्ट्स हैं कुछ। तो ऑक्सीडेशन नंबर फ्री एलिमेंट की, यानी कॉपर है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो, लेट अस से एनी अदर प्लेटिनियम ले लो ज़ीरो, जिंक ले लो फ्री एलिमेंट ज़ीरो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स के जैसे ये सारे, इनकी क्या होती है, प्लस वन होती है, हमें पता है, क्योंकि इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना होता है ना, क्योंकि जैसे 11 है सोडियम का नंबर, सो 281 होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये स्टेबल हो सकती है, तो इन सब की क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर वन। सो विद दिस नेक्स्ट आ गया, सो ग्रुप टू के एलिमेंट्स की कितनी होती है, टू होती है, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की माइनस टू होती है। फॉर एग्जांपल अब इस कंपाउंड में हमने कैलकुलेट करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, तो कैसे करेंगे, देखो हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की प्लस वन होती है, ऑक्सीजन की माइनस टू होती है, सो यहाँ पे ओ थ्री है, तो तीन ऑक्सीजन की कितनी होगी, थ्री इंटू एक ऑक्सीजन की माइनस टू, और जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे की कितनी है, टोटल कितना चार्ज है, माइनस टू, सो हमें क्या पता लग गया, देखो हाइड्रोजन की प्लस वन, फॉस्फोरस को एक्स मान लो, अब ऑक्सीजन तीन है तो कितनी बन गई, माइनस का सिक्स इज इक्वल्स टू टोटल कितना, माइनस टू चार्ज है, इसको सारे को अच्छे से सॉल्व कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो प्लस थ्री। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो टिल देन डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।